हाय हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात नहीं करूंगा कि एसी को कैसे लगाना चाहिए, एसी में क्या दिक्कत होती है। आज मैं बिल्कुल एक जो बहुत लोगों को साथ में है ना, ये परेशानी आती है कि जैसे कि पीसीबी ख़राब हो जाता है, वो पीसीबी सेम मिलता नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मैं जो इन्वर्टर एसी की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल एसी की बात करूंगा। अगर नॉर्मल एसी का अगर पीसीबी गुम हो जाता है या ज़्यादा खर्चा बैठता है और किसी भी चीज़ की समस्या आती है और आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार पीसीबी जो काफ़ी शानदार है और मैंने उसको यूज करके भी देखा है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा तार लगाना है, और लमसम वो है यूनिवर्सल पीसीबी। जैसे कि अभी देख रहे हैं आपकी ये वोल्टास का जो पीछे एसी लगा हुआ है, ये इसका पीसीबी किसी ने खोल के ले गया था और इनको दिया नहीं। वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या है मुझे नहीं पता, SYZ। आज मैं अर्भो को इसलिए ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसे परेशानी में आप लोग भी हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल पीसीबी का, जो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी शानदार है और कोई ज़्यादा से दिक्कत नहीं है वायरिंग में। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग उसका वायरिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, मैं पहले उसको चेक किया हूँ खुद से, फिर मैं सोचा क्यों ना भाई लोगों के लिए एक इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए। अगर और भी किसी भी चीज़ का आप लोगों को समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ की समस्या है और आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का मेरा नीड है कि मैं लोगों के प्रॉब्लम को दूर करूं। और आप लोग जो इस वीडियो को अभी देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा तार को कहाँ लगाते हैं और आपका जो इंडोर मोटर है उसका कहाँ लगेगा तार। और मुझे सब कुछ तो इसमें मिल गया है, बट जो स्विंग की मोटर होती है उसकी जो प्रॉब्लम है इसमें अभी सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। अगर सॉल्व होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। इसमें आपका कंप्रेसर आउटपुट जो है वो मिल चुका है, दूसरी बात जो मोटर है उसका मिल चुका है, तीसरी चीज़ इसमें एक होता है विंडो एसी में भी यूज कर सकते हैं इसको, जो हाई मीडियम लो होता है ना उसमें भी लगा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वीडियो। तो मैं आप लोगों के सामने ये पीसीबी रख दिया हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये इसका LVT है। LVT क्या करता है कि ये 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज लेता है और ये जो है आउटपुट जो छोड़ता है, ठीक है, वो आपको छोड़ रहा है ये 13.5 वोल्टेज। ठीक है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप ये देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो मैं ये मेन जो लीड लगा रखा हूँ, ये जो मेन लीड लगा रखा हूँ और यहाँ लगा रखा हूँ इस बोर्ड में, और जो पीसीबी लाया हूँ मैं वो इसका डब्बा है, और ये उसकी टोटल जो है वायरिंग है, ये देखिए इसका आप लोग देख सकते हैं इसमें। दूसरी चीज़ कि आप लोग जो पहला तार है एक यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे एक कॉमन लगा दे या फेस लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे एक तार लगा दें ये वाली, यानी जो न्यूट्रल फेस है जो तार आ रही है हम इसको ये दोनों पे लगा देंगे, और जो हमारा ये मोटर है, ये जो मोटर है हम इसको एक तार यहाँ लगा रखे हैं और एक यहाँ लगा रखे हैं, ये देखिए एक यहाँ लगा हुआ है
और दूसरा यहाँ लगा हुआ है। अब आई सेंसर की बात, देख सकते हैं आप लोग जो ये कॉइल सेंसर है, ये कॉइल सेंसर कॉइल पे लगती है और ये जो रूम सेंसर है हम इसको रूम सेंसर में यूज करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है डिस्प्ले इसका, ये जो है बिल्कुल छोटा सा डिस्प्ले है और काफ़ी शानदार है, इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ऑन करके भी दिखाऊंगा। एक इसका मोटर ख़राब था, मैंने मोटर न्यू पे ट्राई नहीं किया, मैं सोचा कि ओल्ड पे ही तरह ट्राई कर लूँ। एक्चुअल में इसमें पानी गया हुआ है, बैरिंग की आवाज़ आ रही है इसकी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब इसको सोच रहा हूँ कि ऑन करके दिखाऊं ये पीसीबी, कि आप लोगों को पता चले कि ये ऑन कैसे हो सकता है। ये देखो मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब ऑन कर दिया हूँ, ये ऑन हो चुका है। अब ये देखिए, ये रिमोट है इसके, ठीक है, ये है रिमोट है। अब मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। अब यहाँ से आप जो माइनस जो दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर माइनस करने का है और ये प्लस करने का है, ठीक है। और ऑन ऑफ भी सेम इसी तरह है, यानी रिमोट में कोई चेंजिंग नहीं है। रिमोट आप लोग लमसम ये यूज करे होंगे। अब ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये मोटर चल रहा है, इसका ध्यान रखिए, ये सप्लाई है इसका ध्यान रखिए, और ये लमसम सीपीबी छोड़ भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पीसीबी काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। और मैं इसका वायरिंग दिखा देता हूँ कि आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको। मैं बिल्कुल पास में ले जाकर दिखा देता हूँ, देखिए। आप लोग भी बताइएगा कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो। ओके, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं वीडियो बनाया था कि इस यूनिवर्सल पीसीबी को कैसे लगाया जाता है। अब आप लोगों को मैं लगा के दिखा तो दिया था, लेकिन अब देखिए मैं आपको एसी में लगाकर इसको चला रहा हूँ। जो ये देखिए, ये ऐसे करके कनेक्शन कर सकते हैं, आपका एलबीटी साइड में रख देते हैं और उसके बाद कूलिंग भी बढ़िया हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया है ये यूनिवर्सल पीसीबी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ओके, ऐसो मैं जो बात कर रहा था यूनिवर्सल पीसीबी, तो मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें जो डिस्प्ले का है और एलवीटी का लगा हुआ है और मोटर जो है अपना इंडोर का उसका भी है जैक, बट जो स्विंग का है वो नहीं मिला था, कंप्रेसर का मिल गया है। अब मैं स्विंग का भी इसका मैं टेस्ट कर चुका हूँ। जो आप देखिए, जो दो ये देखिए, ये मेरा जो उंगली है ना, ये उंगली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से कि यहाँ पे दो तरह की है ना जैक बनी हुई है। तो आप जो उसमें छः है, तो किसी का छोटा है और किसी का बड़ा है, जो इसमें कांटा जो बना हुआ है आप उसमें आगे पीछे करके फंसा के देख सकते हैं। अगर जिसमें सेट हो जाए आप सेट करके इसका स्विंग मोटर भी चला सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दिखाना आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये स्विंग अब काम कर रहा है, ठीक है। मैं पहले इसको ऑफ करूँगा, फिर आपको स्विंग दिखाऊँगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसको कर रहा हूँ ऑफ, देखिए स्विंग चल रहा है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है जी।
अब मैं इसको दोबारा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए स्विंग चल गया, तो आप लोग इससे स्विंग मोटर भी चला सकते हैं। काफ़ी बढ़िया पीसीबी है ये, और इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको एडजस्ट किया है, एलवीटी को अंदर डाल दिया, और ये जो पीसीबी है इसको भी इसी साइड में मैं एडजस्ट करूँगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, लग जाएगा। ओके।